कितने किलो आम थे रे? 5 किलो ना? 5 किलो। देखो एक लेडी ने यहाँ पे मट्ठा खराब चाय वाय पीने आए थे और आम वाला। आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार, छोटू को प्यार। आ गई हूँ मैं फिर से अपने वीडियो के साथ, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निखिल मोम ब्लॉग में। तो आज की वीडियो है कि सारे लेडीजों की गॉसिप और ये क्यों मानने दौड़ी मुझे, वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। बने रहें आप वीडियो में, जो नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आगे चलें भाई। जो बोलते हैं लेडीजों का काम नहीं होता है, आप लोग बोलेंगे तो गाई, जिसको लगता है ना औरतें काम नहीं करती हैं, लेडीज हैं, महिलाएं घर में बैठे क्या करती हैं, इनका काम देखो। आज एक घर पे बैठने आई थी चाय पीने, ये देखो ये तो मिली नहीं, लेकिन आम पहले यहाँ मट्ठा बन रहा है और इधर देखो हसुआ है ना आपके पास, ये यूपी वाले लगे हुए हैं। अगर तुमने मेरा दोनों चाकू मेरे लिए रखे हो तुम्हारे घर ही दौड़ाऊंगी। पति पत्नी में झगड़ा कराई है, ऐसा बोल रही है, बताओ मेरे को बोल रहे हैं तरबूज लेने लगी तो बोले खा के तरबूज हो रही है, हाँ। और तो गए ये बेचारे चाय वाय पीने आए थे और आम वाला आया तो ये लोग आम काटने लगे। यहाँ पर देख सकते इससे मार रही है, पत्थर मारो, कंकड़ मारो, आम के गुठली मत मारो। ये गाइस देख सकते हैं आम की गुठलियों से मार रही है मुझे, और जैसे तरबूज लेने लगी बोल रही है तो खा के तरबूज हो रही है, बताओ। जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइस देखो एक लेडी ने यहाँ पे मट्ठा खराब कर दिया आज, बताओ। नजर लगी थोड़ा वो लगाया मैं, क्या बोलते हैं इसमें वो लाते हैं थोड़ा मिर्ची विर्ची परख परख हुए लफाओ। इतने आए थे इनके सामने बनाना था तुमने मट्ठा, वो पता नहीं था यार नजर लगती है। ये हमें बोल दी कि हमारे सामने नजर, हाँ हमारी नजर खराब है यार। पाड़ पाड़ नहीं करना, पाड़ पाड़ बढ़ो ना तो बैठे जाए यहाँ, तब बताओ बुरी नजर वाले तेरा मुंह। ये अभी कौन बोला था, ये अपनी नहीं हारो, हिम्मत हारने वाले की कभी जीत नहीं होती है और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। और इतने आम तुम्हारे कट गए हैं, इतने और कट जाएंगे, कोशिश करो। और रे 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 ऐसी नहीं करो, चाकू टूट जाएगा यार। कोई नहीं, दूसरा चाकू लेगा। नहीं वो नहीं बन सकता ना, वो बहुत दूर से आया यार ये चाकू। और क्या ये वाला कितना भी कोड़ दो, इसको कूट बोल रहे है। हाँ इतना नाच अब हम नोट होना है, मैंने कहा उठा उठा शीले तो ठूल है ना दे हो कि समझू क्या कहे। उर्दू कोड़े बोले जापानी कोड़े बोले बैर बोक भी दिखाए एक बार, एम लगा क्या कम समझो है ना, एम शांत जब कम समझ लो। देखो देखो एक हाथ एम काट भी देखा तो कैसे काट देखो बे के ना बना छाले, देखो ये छाले बिगड़ गया आज, बताओ। नहीं नहीं देखो पाले का देखो तम दम को जाए कस दिख रही होगी मम्मी मुन्ना पिछू क्यों पिछू जाएगा तला तो काट रहे हो, काटो काटो मेहनत करो। अरे यहाँ की मम्मी मुझे पर बैठो ना गेहूँ पिछू में मुन्ना पिछू मिलवाया गया तो कहा गेहूँ पिछू में पल दो मुन्ना रोड बैठो। ये माँ जो नी यहाँ आवे हाँ पहाड़ी भाषा में गाय दी थे, ये देखो ये होता है पहाड़ी, देखो बे ज्यादा मुँह चलो रहे करने क्या लगी ये सिलबट्टे में चाकू से, ये हो क्या रहा है यहाँ पर आज कांड हो रहा है दौड़ी है और एक सिलबट्टा लेके मारने दौड़ी है भाई, कौन है रिश्तेदारी, इसको समझा दो थोड़ा, इधर सब परेशानी, इसका दिमाग खराब हो गया है, एक चाकू लेके भौंकने दौड़ी मुझे। देखो देखो आज तो बाल बाल बची हूँ मैं, चाकू भौंके तो दिखाई नहीं, देखो सारी लेडीज भारी, सब पे भारी, देखो इतने आम कट गए हैं यहाँ पे और यहाँ पर देख सकते हैं इतने आम लिए इन्होंने, और पता है पैसा भी बचा रखा है, कितने रुपए किलो आम लिए, 30 रुपए किलो आम आया है उसने बोला 30, और बेचारे को वो भी लूट लिया इन लोगों ने आज, और 30 इन लोगों ने उसको फिर बोला कि हम तेरे सारे आम ले लेंगे
और 20 रुपए किलो आम लिया है, सारा लॉस करा दिया। और घर में जाके बोलेंगे हमने 50 रुपए किलो आम लिया है। ये देखो, ये देखो, सब देखना है इस ब्लॉग को, तुम्हें पता चल जाएगा लेडीजों की हस्ती। सबसे बड़ी गाइज हम सिखा रही है चुंगी, तो खाना ही पड़ेगा तभी चलेगा लेडीजों का, वरना तो नहीं चलेगा बोल रही है। देखो ये समझ नहीं आ रहा है, ये देखो तुम लोग मतलब आम ऐसे कौन काटता है भाई, पहाड़ी लोगो हमारे यहाँ तो दराती राते से काटते। वो देखो उसका स्टाइल, ये देखो अभी देखो तुम उसको। इन्होंने ना मुझे ना इतने गुठलियों से मार मार के इसने मेरा हालत खराब कर दी है आज। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आप, ये देखो क्यों मारने दौड़ी आज मुझे, क्या हो रहा, पागल हो गई क्या? कोई पत्थर ना मारो मुझे और गुठलियां ना मारो, इन लोगों ने मुझे गुठलियों से मार मार के देखो इतना कौन सहन करेगा बताओ। एक तो मेरे घर में आम कटवा रही है, एक तो मेरा चाकू तोड़ दिया है, एक तो मेरा सिलबट्टा तोड़ दिया है, एक तो मेरा घर गंदा कर दिया बताओ। ये देखो गुठलियां फेंक फेंक के, वो बेचारी तब भी शांत स्वभाव की अच्छी है। यूपी वालों में अंतर है बिहार वालों से, इनके तो पल्ले ही मत पड़ना, किसी को शादी करनी होगी इन बिहारी से मत करना। यूपी वालों को तो पता ना है अभी बिहारी देखेंगे ब्लॉक करेंगे। हम तो चाहिए हमें ना, तो हम लोग भी चाहिए, ये चला रहे हैं आज का टाइम सही में। क्या लगा जब पूरे खत्म हो जाएंगे तब बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं। तो गाइस देखो इतने आम कट गए हैं, 5 किलो के दिन भर ये अपना लंच वंच बना बनो के फिर सब्जी अब्जी लेके आम लिए सस्ते, और उसके बाद आम काटे मेरे अचार का तुम अगर फिर डाल दी, यहाँ अचार बनेगा। और एक को बुलाया था वो अभी तक आई नहीं है, आम कट चुका है। और ये देखिए अभी अचार की रेसिपी बताना चाहोगे कि नहीं? नहीं। और इधर देखो क्या कर पाएंगी ये, तब सही है खरा तमिल का यहाँ तमिल घर का मैं कहा जा नहीं है, जंगल से लकड़ी काट सकती थी पहाड़ जाएगी तो ये आम नहीं कट रहा है इससे काम एक लग काज एक दुश्मन है अनाज अब लकड़ काटी है इना कहान फिर वो हो रही है अगर इन्हें कभी हार बटी माला ही जाओ जाओ बहुत है पहाड़ पे रहने वाले पहाड़ काटने वाले वो देखो आम ये आम ना काटी रहे भी ख्याल और अचार डालेगी ये खा लेगी पहाड़ में, ये तो मतलब है ही तगड़ी। तुम हो तगड़ी, तुम खा लोगी पहाड़ में, इसकी बस की नहीं है। हाँ तुम्हारी बात हो रही है सही, ये नाजुक कली हमारी देखो खुद देखो इनको, वो देखो एक आम नहीं कटा, 10 मिनट हो गए मैं तब से देखी हूँ। हाँ उठ ठस ठस नहीं होता मुँह देख बिला बर्फ बर्फ का बकम द एक अज्जी आ गए वो इडली बनने है बोले आ गए जैसे मैं 12,000 का मैंने कारपेट भी छा रखा था, कारपेट भी इन लोगों ने खराब कर दिया है। इडली वाले बर्तन में आज हम बनाना जा रहे थे मट्ठा, वो भी खराब बर्तन ही खराब था। और इनका देखो इनने घर का मेरा तहस नहस कर दिया, सिलबट्टा मेरा खराब करे इन्होंने, चाकू मेरे खराब करे, अचार डालेगी अपने घर पे कुमाऊं वाली अचार की अच्छा काट के धोते हैं इन्होंने 2 किलो अचार बना रखा है। तो गाइस घड़ी में बज चुका है 6:00। ये देखो ओ चिड़िया का घोंसला इनको जल्दी हो गई अब ये ना दिन भर बैठी रहेंगी, जैसे ही 6 बजे का घड़ी में वैसे भागने की सोचती है। हाँ ये मट्ठा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। और यहाँ हमने कितने फ्रिज में कितने किलो आम थे रे? 5 किलो ना? नहीं, 5 किलो तो ये थे ना, फिर ये अलग से छठे पट्टे तो देख सकते हैं। लेडीज को देखो, लेडीज फर्स्ट बोला गया है इसीलिए इन लोगों ने बिल्कुल 15 मिनट में दोनों ने 5 किलो आम काट दिए हैं। देखो अब जो तुम हमारे साउथ इंडियन बनाती हो ना उसका हिसाब किताब कंप्लीट हो गया है, हम तुमसे जो भी बनवाते हैं
और उसका आज हमने मेहनत भी करी है यहाँ पे। मैंने अपना घर गंदा करवाया और उसने इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए आम काटे हैं, और घर जाके रोटी देखो क्या हो जाएगा बताओ, मैं परेशान हो गई हूँ। खाली लगा मिलता, मैंने कहा क्यों बड़ा जो गया अच्छी हर पीड़ है, मेरा दिमाग खराब है गुस्सा। नहीं नहीं निकलेगा तो बोलेंगे कि बिहारी क्या बताए, क्या तो उसका हालत खराब है। हाँ यार पता नहीं क्या कर दिया, देखो तो दल खराब और से कर दिया है हाल तुम्हें। इससे अच्छा उसको बोल देती मैं पहले से ही बिहारी स्टाइल में निकालती हो। मतलब देखो दीदी पलटती कैसे है ये देख लिया, पलटू राम दोनों तरफ पलट मार हो रही है। आम बटोर दिए हैं उसमें। ओए ये कौन साफ करेगा? कुछ और बोलने वाले थे बस तुम ऊपर होकर। ये देख सकते हो मार मार के वहाँ भी सड़क खराब कर दिया। चलो मैं यहीं यहीं साफ करती तो। ये क्या बात हुई यार बताओ, जल उड़ा दू अभी छाटा फिर वहाँ। ये तो ला रहे, ये देख सकते हैं घर के, मेरे घर का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने आज। ना गिफ्ट भी मिल गया ठीक है ना, मैंने गिफ्ट भी दिया तुम्हें आज। हाँ देखो आम भी कटवाए हमने, गिफ्ट भी दिया, कितने फायदे में रह गई। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था ये ले जाने के लिए, तुम्हारे लिए आया है ये गिफ्ट आया है। हाँ क्या करो यार, खाल गल गया गिफ्ट मिल लो खोल खाल कर, क्यों हुए मैं चाया क्या कर लियो क्या कर लियो क्या कर लो। आज हमारे घर आए नए मेहमान, देखो ये क्या कर रहे हो बाबू। देवर भाभी की दुष्कृत लगी हुई है यहाँ पे, अब सब लोग चले गए हैं तो यहाँ पर दुख सुख लगी हुई है। तो मैं यहाँ देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड में तो दही जमा के मतलब कच्चा दूध जमा करके दही बना के उसके बाद उसको मत के मक्खन निकलता है, और यहाँ पे मलाई रख के उसका मक्खन निकलता है। देखो इतना मेरा मक्खन निकल गया जब हम दही वो करते। तो गाइस जो हम घी बना रहे थे ना मक्खन निकाल रहे थे, वो मक्खन मैंने पिघला दिया है, अब ये घी बन रहा है। देखो इतना घी बन गया है। एक किलो दूध में जब हम एक किलो कृत्रिम दूध लेते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। देखो उसमें मलाई निकाल दो जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मलाई, तो मलाई निकाल दो तो कम से कम घी बन जाता है इतना। तो देखिए आप इतना मस्त सा घी बन रहा है मेरे लाजवाब, देखिए पराठे के साथ खाओ दाल में डाल के खाओ, ये देखिए कलर कितना मस्त आ रखा है एकदम, है ना। तू बदला लेने लगी मेरे से आज, ये बताओ ये बताओ। एक तो मेरे घर में आम कटवा रही है, एक तो मेरा चाकू तोड़ दिया है, एक तो मेरा सिलबट्टा तोड़ दिया है, एक तो मेरा घर गंदा कर दिया, बताओ ये